गाइज हाई वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन और नेट एंड आई एम गीतांजलि। सो गाइज आज जो मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ ये है स्पेशली फॉर समर और रेनबो काइंड मेकअप लुक है ये जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव करा है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो प्राइमर के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्टे क्योरकी का प्राइमर क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ह्यूमिडिटी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आता है तो बेस्ट प्राइमर रहता है इस टाइप का जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है। तो उससे मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। स्टार्टिंग हमें सेंटर ऑफ फेस पे करनी है और ऊपर से पूरे फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं फाउंडेशन ले रही हूँ लोरियल का। एक तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, इसको आप थोड़ा सा ही अप्लाई करोगे आपका जो फेस है बहुत जल्दी इवन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी सी टिंट मिल जाती है। अगर आप अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर भी अप्लाई करोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और मैट फिनिश देता है। तो मैट फाउंडेशन अप्लाई करना ही मस्ट होता है समर टाइम में। एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको देख कर ही पता चल गया होगा कितने अच्छे स्मूथली ये ब्लेंड हो रहा है फेस पे। मैं इसे बहुत टाइम के बाद अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मैं भूल गई थी कि बहुत थोड़ा सा लेने पर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छे से अगर ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा जो फेस है इवन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे हम थोड़ा सा नेक वगैरह पे अप्लाई कर लेंगे ताकि जो नेक है हमारी वो भी इवन लगे। सो इस तरह से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अपने लिप्स की लाइन पर भी थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद कंसीलर के लिए लिया है मैंने NYBA का कंसीलर। इसे मैं बहुत हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज कंसीलर है तो बस इसको मैं थोड़ा सा लाइट कवरेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। और सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ये वाला कंसीलर नहीं है तो आप कंसीलर स्किप भी कर सकते हैं, अच्छे से अप्लाई करोगे। और जब भी आपको अंडर आइज में अप्लाई करना है तो आप अपवर डायरेक्शन में देखकर अप्लाई करोगे तो क्रीज लाइन में जो आपका फाउंडेशन या कंसीलर है वो ज़्यादा सेट नहीं होगा और क्रीजेस नहीं बनेंगी। इस तरह से आप अच्छे से अपने फेस पर सेट कर लो जिस तरह से मैंने करा है, आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा इवन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और प्यारा लगेगा। इस फाउंडेशन की खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा मैट लुक देता है और साथ में आपको एकदम ड्राइनेस भी नहीं देता है। कॉम्पैक्ट के लिए लिया है मैंने NYBA का कॉम्पैक्ट। से मैंने हल्का हल्का लेकर अपने पूरे फेस को सेट कर लिया है। इस कॉम्पैक्ट की खास बात यह कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोडक्ट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी तो जो मेरी आईब्रोज की नेचुरल शेप है उसी को फॉलो करते हुए मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल मेकअप लुक है ये समर्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा नेचुरल सा करना है, जो सारा मेन फोकस है हम अपने आई मेकअप पर डालना है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट दे रहा है। तो अपनी आईब्रोज को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। तो आईब्रोज को इस तरह से फिल कर लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी और नेचुरल लग रही हैं, आप देख सकते हो। फ्लैट ब्रश की हेल्प से अगर आप करते हो ना तो आपकी जो आईज है वो बहुत इजीली फिल हो जाती। अब आई शेडो अप्लाई करूँगी तो सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज लाइन के ऊपर ऊपर अप्लाई कर लिया है। उसको ऊपर ही ऊपर मैंने ब्लेंड करा है, बहुत ज़्यादा हल्का सा अप्लाई करके करा है। और आउटर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर लेकर मैंने अप्लाई करा है, आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिलेरी रोडा का लिया है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आउटर वी पर पहले अप्लाई कर लिया है। मिडल पार्ट में मैंने अप्लाई करा है ब्लू कलर और इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से अच्छे अमाउंट में लेके ब्लू कलर अप्लाई करा है। और कॉर्नर्स पे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया है। जितना भी फॉल आउट हुआ था उसको रिमूव कर दिया है एक ब्रश की हेल्प से। स्मॉल ब्रश ले में मैंने पिंक कलर लिया है और पिंक कलर को अप्लाई करा है मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर ताकि एक बहुत ज़्यादा कलरफुल लुक आए और आईज जो है बहुत ज़्यादा दबी दबी नहीं लगे। इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है पिंक कलर। मैंने कोई डार्क कलर अप्लाई नहीं करा है, अगर मैं डार्क कलर ज़्यादा अप्लाई करती तो आंखें थोड़ी सी दबी दबी सी हो जाती। इस तरह से कर लिया है मैंने स्मॉल ब्रश की हेल्प से, आप चाहें तो अब बिग ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। सेम पैलेट में से मैंने पिंक कलर लेके एज अ ब्लश अप्लाई कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट ब्लश चाहिए हमें अपने चीक्स पर। तो बहुत ज़्यादा हल्के हल्के से मैंने अप्लाई कर लिया है इसे चीक्स पर, बट इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा आया है और अलग से कोई ब्लश अप्लाई करने की इतनी नीड नहीं लगी इसलिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया है एक ब्रश की हेल्प से। इस तरह से कर लोगे आप, नीचे नीचे अप्लाई करना है आपको, ज़्यादा ऊपर लिफ्टेड अपना फेस नहीं करना है। थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके मैंने थोड़ी सी अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है बहुत ज़्यादा लाइट टाइप में, इस तरह से कर लिया है मैंने, ज़्यादा हैवी कॉन्टोर नहीं है ये। उसके बाद मैंने अप्लाई करा है मस्कारा और ये है स्विस ब्यूटी का। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले अपने लोअर लैशेज पर, लोअर लैशेज को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगी।
और उसके बाद अपर लैशेस को करूंगी, क्योंकि अपर लैशेस पर तो हम एक बार को फॉल्सेस लगा लेते हैं तो उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन लोअर जो वो काफी ज्यादा पता चलती है, इसलिए तो नीचे के हो गए हैं लैशेस और ऊपर के लैशेस पर मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये जो मस्कारा है काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा वाटरप्रूफ है, समर्स के लिए बेस्ट, इसलिए मैंने इसको चूज करा है। आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं फील होगा। बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है अपनी दोनों लैशेस पर। उसके बाद मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक बोन्स पर। जिस तरह से आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा हाइलाइटर है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत ज्यादा वर्थ ही है। उसके बाद मैंने अपनी टिप ऑफ नोज पर लगाया है, ब्रिज ऑफ नोज पर लगाया है और ब्रो बोन पर अप्लाई करा है, थोड़ा सा फॉरहेड पर अप्लाई करा है मैंने, और उसके बाद अप्लाई करा है मैंने क्यूपिड्स बो और थोड़ा सा चिन पर अप्लाई करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है न्यूट कलर का ये है लिप क्रेयॉन और ये स्ट्रीक ओर्की का है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी ज्यादा ग्लॉसी। जिस तरह से मेरा जो आई मेकअप है वो मैट है, इसलिए मैंने लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी और न्यूड रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ओवरऑल जो लुक है मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप प्लीज मेरे को कॉमेंट करके बताना कि आपको जो मेकअप लुक है कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पे अपने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं और इसकी वजह से जो पूरा लुक है वो एकदम चेंज हो गया है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। बालों को मैंने थोड़ा थोड़ा कर्ल कर लिया है नेचुरल मेथड से और उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल हीटलेस है ये और आपके बालों को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। कलरफुल आप क्लिप्स ऐड कर सकती हो, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी और अमेजिंग लग रहा है इस वाले मेकअप लुक पर, और ओवरऑल जो लुक है काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।